बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व्यूअर्स, वेक्टर एनालिसिस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। वेक्टर एनालिसिस बुक टू फॉलो। शो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, वेयर बी इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक रिजल्ट हमने प्रूव करना है कि अगर एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के अलोंग अपने कंपोनेंट मालूम करनी है तो फिर उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ली जाएगी और उस वेक्टर जिस वेक्टर के अलोंग आपने मालूम करनी है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराया जाएगा। यहाँ तो इस तरह नजर नहीं आ रहा लेकिन है बात यही। अब देखिए ना, वैक्टर ए की आपने कॉम्पोनेंट लेनी है लॉन्ग वैक्टर बी, तो B के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे आएगा? वेक्टर B को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, उसको उसने B कह दिया हुआ है। तो इन वेरी शॉर्ट क्या कह रहा है कि अगर वेक्टर A की कंपोनेंट अलॉन्ग B मालूम करनी है तो B के लॉन्ग यूनिट वेक्टर लें और A की और उस यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ले लें जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है, तो वो वैक्टर ए की कॉम्पोनेंट अलॉन्ग बी आ जाएगी। इस आर्टिकल को आज हम प्रूव करते हैं। हम ए और बी के दरमियान एंगल जो है थीटा सपोज कर लेते हैं और वो डायग्राम आपको बता देते हैं कि ये आपके पास लेट्स सपोज कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, इनके दरमियान एंगल थीटा है। तो हमने वेक्टर ए की कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी मालूम करनी है। ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। तो आप बड़े आराम से अगर देखें तो वेक्टर ए की कंपोनेंट अलोंग बी मालूम करने के लिए आप ए का जो हेड है वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं वेक्टर बी के ऊपर, और ये वाली जो है इतना पोर्शन आपको ये वाली कंपोनेंट है ओ बी, ये बेसिकली कंपोनेंट है ऑफ वेक्टर ए, इस वेक्टर की कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी, ए वेक्टर की कंपोनेंट अलोंग बी वो ये है ओ बी, ये इसकी स्केलर कंपोनेंट यानी इसकी मैग्नीट्यूड। ये हम बेसिकली हमने ओ बी जो है वो लेंथ मालूम करनी है। ओ बी क्या है? वेक्टर ए की कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी, वेक्टर ए की कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी। आप देख रहे हैं कि ए के हेड से हमने मिलाया है तो ये इतना पोर्शन जो बना है ये वेक्टर ए की कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी बना। ओके, हम जरा इसको प्रूव करते हैं। डेफिनेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट अगर यूज करें हम तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन मुताबिक ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, जैसा कि नजर आ रहा है आपको। तो ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। अब हम यहाँ पे ये जो ट्रायंगल हमारे पास नजर आ रही है, इस ट्रायंगल को गौर से देखें। ओ ए बी जो ट्रायंगल बनी हुई है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बेस आपके पास ओ बी है और हाइपरटेन्यूस आपके पास ओ ए है। तो चूंकि ओ बी मालूम करनी है लिहाजा वो हम फॉर्मूला लगाते हैं बेस ओवर हाइपरटेन्यूस, ओ बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से ओ बी की वैल्यू आ जाती है ओ ए कॉस थीटा। फिर ओ ए आपको नजर आ रहा है कि वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है। अब इस एक्सप्रेशन को वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी कर दिया। और उसके बाद ये जैसे आपको पता है कि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ए डॉट बी के बराबर है, तो ये वाला जो पोर्शन है इतना ये तो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? ए डॉट बी के साथ। तो आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। अब आपको याद है किसी भी वेक्टर के लॉन्ग हमने यूनिट वेक्टर लेना हो तो उसकी मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करा देते हैं वेक्टर को। वेक्टर को जब उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें तो वो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो इस में हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर बी दिया हुआ था, ये गिवन था कि वेयर बी इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, लिहाजा स्मॉल बी हमारे पास किसके बराबर आएगा? वेक्टर बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। तो फाइनली हमने फिर बी ओवर बी मैग्नीट्यूड की जगह वेक्टर स्मॉल बी यूनिट वेक्टर लगा दिया। तो क्विकली वेक्टर ए की कॉम्पोनेंट अलॉन्ग बी मालूम करनी थी, यानी ए की कॉम्पोनेंट अलॉन्ग बी ओ बी है। ओ बी जब हमने ड्राइव करके आए हैं तो आया है ए डॉट बी, वेयर बी इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर बी कैपिटल बी। तो फाइनली आपको ये रिजल्ट पता चल गया है,
A, component of vector A on B is the dot product of vector A and the unit vector along B.